मोहम्मद इलियास कहते हैं। मोहम्मद इलियास जी, 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 जी आपको क्या दिक्कत हो रही है? पथरी रहती है बहुत समय से, लंबे समय से, 1997 से रह रही है। 1997 से गुर्दों में पथरी की शिकायत रहती थी। पथरी दवा चलती है, ये पथरी निकलती है, दूसरी पहले तैयार हो जाती है। इतना आप परेशान थे? आप मेरे पास भी अपनी जितनी अभी लेटेस्ट की जितनी जांचें कराई हैं अभी तक आज तक गुर्दे को लेकर लेकर आई हैं, है ना? तो क्या दर्द हो रहे थे? क्या पहले दर्द बहुत रहता था, उसके बाद ज्यादा पथरी बनना शुरू हुई, फिर दर्द में कमी आ गई, पथरी हो जाती पता नहीं चलता था, निकल भी आउट भी हो गई तब भी नहीं पता चलता था। फिर अल्ट्रासाउंड जब कराया, आपके पास इलाज चला हमारा, तो अल्ट्रासाउंड में आके पथरी निकल चुकी है, पथरी निकल चुकी है। आप फिर जब इतना परेशान थे तो ये इनकी है 25 जुलाई 2023, इसमें आप आए थे और 4 mm और 9 mm की गुर्दे में पथरी थी। जी जी, दर्द भी था, तकलीफें भी थी, जी सब कुछ। और आप बता रहे थे कि आप ऑपरेशन के लिए भी रेडी हो गए थे, उसे दर्द बहुत था, तकलीफ थी, तो लगा कि निकाल लेते हैं, अभी इतना तकलीफ हो रहा है। दवाई कहाँ तक है? महंगी दवाएं चलती हैं इसमें, ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए आप मन बना ही चुके थे, पूरी तैयारी मशवरे हो चुके थे। जी जी, मशवरे हमारे। फिर आपने किसी के कहने, किसी ने आपको एडवाइस दिया, आपके बारे में बताया हमें, तो हम बहुत आपकी तारीफ की, तो मैं उनके भरोसा करता आपके पास। फिर आप इधर होम्योपैथी में आ गए, इधर आ गए, है ना? होम्योपैथी में फिर इन्होंने दवाई शुरू करी, तो क्या कुछ आराम मिला? हाँ, आराम हमें शुरू से आराम हो गया, आराम मिलना शुरू हुआ, तो थोड़ा समय निकाला। जब हमें रिलीफ हासिल हुआ, तो हमने सब दवा खाई, परहेज भी सही से किया जाए, फिर हमने तमाम चीजों पर पाबंदी की हमने। फिर उसके बाद आपने 26 सितम्बर, आप लोग ना शोर मत मचा रहे हो, शोर मत मचाओ। फिर उसके बाद हमने 26 सितंबर 2023 को दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें जब हमने देखा है तो दोनों ही पथरियां 9 और 4 mm की गुर्दे में नहीं आई, गुर्दों में कोई सूजन भी नहीं थी, रिपोर्ट हमारी बहुत अच्छी आई, रिपोर्ट अच्छी आई। और हमें भी जैसे जो हालात हो रहे थे जिसमें हमें लग रहा था कि ऑपरेशन करा लेना चाहिए, तो वो हालात भी अब हमारे ऐसे नहीं रहे, है ना? बेहतर है। होम्योपैथी के बारे में आपने देखा, क्योंकि आप इतने समय से परेशान हैं, तो होम्योपैथी में आपने रिजल्ट देखे और खुद भी अनुभव करा, तो होम्योपैथी के बारे में आपको क्या कहना है? हमें आपके पास इलाज होम्योपैथी अच्छा लगा जी, आपके पास और लोगों के सब गए वहाँ इलाज सब यहाँ अच्छा लगा जी 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 जी। होम्योपैथी में पेशेंट जो है एक ऑपरेशन से भी बचता है और उसको थोड़ा सा अंदर से अगर जड़ से जरा मजबूती आए तो उसको ज्यादा अच्छा महसूस होता है। जी जी जी, बहुत अच्छा इलाज, बहुत अच्छा जी जी। आपको होम्योपैथी से इतना आराम मिला और आपको स्वस्थ महसूस भी हुआ और रिपोर्ट भी ठीक आई है, तो आपको बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई। मैं आपसे बहुत खुश हूँ और आप अच्छे रहें और इसी तरह से बात कीजिए, ठीक है? आप बातचीत बहुत अच्छे से करते हैं, दिल खुश हो जाता है, आधी बीमारी आप बातचीत से खत्म कर देती है, सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी। जी, ये तो अच्छी बात है कि आपको मैं भी अच्छी लग रही हूँ। लेकिन हाँ, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम बीमारी को जड़ से पकड़ते हैं, जैसे अब पथरी बनने की बार बार प्रवृत्ति हो रही है, मरीज बता रहा है इतने में निकलती नहीं, अगली आ जाती है और इतने सालों से वो परेशान ही है, तो अगर हम उसे थोड़ा मजबूत करके दें तो उसको बहुत अंदर से भी अच्छा लगता है, रिपोर्ट भी अच्छी आती है, एक उम्मीद भी जाती है। अब तो ये था हमारा कि 3 महीने चला, फिर बोले और बढ़ाइए थोड़ा सा इलाज, फिर बढ़ाई इलाज मिला बढ़ता चाहते हमें उन्हें एलोपैथियों में इलाज खोलना ऑपरेशन भी बिल्कुल पूरी तैयारी पे थे, ऑपरेशन से भी बच गए थे, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं। अब तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी बीमार सर, किसी भी प्रकार का बीमारी हो आपको दिखाना चाहते हैं, आप इतने मोहम्मद फैन, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते।